Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Welcome to ADP lecture number 3rd. I have already told you people about the assignments and the day of assignment when you are supposed to submit it. Today we'll read, start from chapter number 6. The noun gender. You know that living beings are of either the male or female sex. Now compare the words in following pairs. अब एक हमने जिस तरह पढ़ा मुजक्कर होता है एक मुअन्नस होता है तो बॉय जिसमें अगर हम और चीजों को कंसीडर करें तो लॉइन और अगर हम गर्ल देखें तो लॉइनेस बॉय गर्ल है तो लॉइन लॉइनेस हुई हीरो हीरोइन हुई कॉक हैन स्पैरो स्पैरो ही बना या कॉक स्पैरो हैन स्पैरो। अब आपने इसमें से क्या चीज नोटिस किया व्हाट डू यू नोटिस द फर्स्ट वर्ड ऑफ ईच पेयर इज द नेम ऑफ अ मेल एनिमल Second word of each pair is the name of female animal. A noun that denotes a male animal is said to be masculine. And gender that is known female is feminine or male is masculine. Masculine and feminine. Yeh hamara hai aaj ka topic. A noun that denotes a male animal is said to be of the masculine gender. Gender loves basically comes from Latin genus. Iska matlab hota hai kind or sort. A noun that denotes a female animal is said to be the feminine gender. A noun that denotes either a male or female is said to be of common gender. Do mard aur aurat dono ko zahir kare वो कॉमन जेंडर कहलाता है एज पेरेंट अ पेरेंट मेल भी है फीमेल भी है चाइल्ड फ्रेंड पीपल यानी स्टूडेंट थीफ रिलेशन एनिमी कजन पर्सन ऑर्फन यतीम यानी स्टूडेंट बेबी मनर्क बादशाह को कहते हैं हुक्मरान को कहते हैं बादशाह मेल फीमेल नेबर और इन्फेंट ये मेल और फीमेल दोनों जेंडर्स हैं। अब आगे बढ़ते हैं अ नाउन दैट डोनेट्स अ थिंग दैट इज ईदर नीदर मेल नॉर फीमेल थिंग विदाउट लाइफ इज सेट टू बी ऑफ द न्यूट्रल जेंडर एज बुक पेन रूम ट्री लिटर मीन्स नीदर दैट इज नीदर मेल नॉर फीमेल It will be thus seen that in modern English, the gender of a noun is entirely a matter of sex or the absence of sex. It has nothing to do with the form of a noun, which determines its gender in many other languages. For example, in Urdu, where bacha is masculine and ladki is feminine. अगर हम देखें ऑब्जेक्ट विदाउट लाइफ आर ऑफ्टन परसोनिफाइड परसोनिफाइड क्या होता है जब ह्यूमन आइडियाज को नॉन ह्यूमन के साथ कंपेयर किया जाए ह्यूमन ऑब्जेक्ट्स को नॉन ह्यूमन के साथ कंपेयर किया जाए दैट इज स्पोकन ऑफ एज इफ दे वर लिविंग बीइंग्स वी देन रिगार्ड देम एज मेल्स और फीमेल्स द मैस्कुलिन जेंडर इज ऑफ्टन अप्लाइड टू ऑब्जेक्ट्स रिमार्केबल फॉर स्ट्रेंथ एंड वायलेंस जो ताकत के इस्तारे होते हैं और कुवत के इस्तारे होते हैं वो मैस्कुलिन शुमार होते हैं जैसे द सन समर विंटर टाइम डेथ सन शेड हिज बीम ऑन रिच एंड अ पुअर अलाइक ये इस्तारे ताकत के जो उनसे हैं सन हो गया समर हो गया विंटर हो गया टाइम डेथ ये बेसिकली मैस्कुलिन शुमार होते हैं Masculine gender is often applied to objects remarkable for strength and violence.
फेमिनिन जेंडर जो उनसे होता है इज समटाइम अप्लाइड टू ऑब्जेक्ट्स रिमार्केबल फॉर ब्यूटी जेंटलनेस एंड ग्रेसफुलनेस. तो फेमिनिन जेंडर होता है वो खूबसूरती से नज़ाकत से और खूबसूरती से जाहिर किया जाता है. मून फीमेल जेंडर है. अब चांद निकलता है उर्दू में लेकिन इंग्लिश में सनराइजेस चांद निकलती है समझ लें. अर्थ स्प्रिंग ऑटम नेचर लिबर्टी जॉय जस्टिस मर्सी पीस होप चैरिटी ये सारा फेमिनिन जेंडर के तौर पे यूज़ किया जाता है क्योंकि ये ब्यूटी को जेंटलनेस को या ग्रेसफुलनेस को जाहिर कर रहा होता है. फॉर एग्जाम्पल द मून हैज हिडन हर फेस बिहाइंड अ क्लाउड. यहाँ पर हर आएगा चांद के साथ. स्प्रिंग हैज स्प्रेड हर मेंटल ऑफ ग्रीन ओवर द अर्थ. मेंटल कहते हैं लिबास को या कोई भी ऐसी चीज. अब मेल जेंडर इस्तेमाल किया गया ताकत के लिए और फीमेल खूबसूरती के लिए. पीस है हर पीस जो है वो भी फीमेलिन के तौर पे इस्तेमाल होता है. विक्ट्री इज नो लेस रिनाउन देन वार. दिस यूज इज मोस्ट कॉमन इन पोएट्री बट सर्टन नाउन्स आर पर्सोनिफाइड इन प्रोज. ये प्रोज लफ्ज लिखा गया. प्रोज कहते हैं नसर को. टू अश्विन इज ऑफ्टन स्पोकन ऑफ एज शी एज द शिप. A ship जो सी है. A ship is often spoken of as she has. Ship lost her boats in the storm. Ship इस आधार का लफ्ज इस्तेमाल किया. ये भी फीमेल जेंडर को जाहिर करती है. अब तरीके क्या है वेज फॉर्मिंग द फेमिनिन ऑफ नाउन. देर आर थ्री वेज ऑफ फॉर्मिंग द फेमिनिन ऑफ नाउन. तीन तरीके होते हैं फेमिनिन बनाने के. By using an entirely different word. एक मुख्तलिफ लफ्ज़ को इस्तेमाल करना है. मैस्कुलिन फेमिनिन बैचलर इसको मेड और स्पिनस्टर इसका फीमेल है फेमिनिन है. बॉय का गर्ल है ब्रदर का सिस्टर है. बक का डो है बुल का कॉक्स है कॉ है. बुल्लोग का हाइफर है कॉक का हेन है. कॉल्ड का फिली है. डॉग का बिच है. डैग का डक है. ड्रोन का बी है. अर्ल का काउंटेस है. फादर का मदर है. और कैनर का गोज है. जेंटलमैन का लेडी है. हार्ट हार्ट का रो है. हॉर्स का मेयर है. हस्बैंड का वाइफ है. किंग का क्वीन है. लॉर्ड लेडी मैन वेमेन. मंक पादरी को कहते हैं. नन नेफ्यू नीस पापा मामा रैम यू सर मैडम सन डॉटर स्टैग हाइंड अंकल ऑन विजर्ड विच. ये आपने वैसे भी याद करने हैं इनके मीनिंग्स भी याद करने हैं और एक नज़र इसको देख लेना है क्योंकि ये आपके ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है. उसके बाद है एडिंग अ सिलेबल. ई डबल एस का इजाफा किसी में किया जाता है. आई एन ई का इजाफा किया जाता है किसी में. टी आर आई एक्स का इजाफा किया जाता है. ए का भी इजाफा किया जा सकता है वगैरह वगैरह. जैसे ऑथर ऑथरस इसमें ई डबल एस का इजाफा किया गया. बैरन बैरनेस काउंट काउंटेस जाइंट जाइंटेस एयर एयरेस हॉस्ट हॉस्टेस ज्यू ज्यूएस लॉइन लॉइनस मैनेजर मैनेजरस मेयर मेयरस पैटर्न पैटर्नस पियर पियरस पोएट पोएटस priest priestess prophet prophetess shepherd shepherdess steward stewardess viscount viscountess. Note that in following ews is added after dropping the vowel of the masculine ending. Ab aur agar hum dekhe isme actor actress benefactor benefactress conductor conductress enchanter enchantress found founders foundress hunter huntress instructor instructress ye sare ke sare the words hain aapke. negro negress abbot abbess duke duchess emperor empress preceptor preceptress prince princess stronger strongest tempter temptess Simster,
सिम्स्ट्रेस, टाइगर टाइग्रेस, ट्रेटर ट्रेट्रेस, वेटर वेट्रेस, मास्टर मिस्ट्रेस, मर्डरर मर्डरेस और सॉर्सरर सॉर्सरेस. द सफिक्स ईडब्ल्यूएस बेसिकली इज द कॉमन सफिक्स यूज टू फॉर्म फेमिनिन. जिस तरह उर्दू में साबका और लाके होते हैं, इस तरह प्रीफिक्स और सफिक्स होते हैं. प्रीफिक्स और सफिक्स के ही तर्ज पर साबका लाके बनाए गए हैं. वे फॉर्म फेमिनिन नाउन्स फ्रॉम द मैस्कुलिन एंड इज द ओनली वे वन विच वी नाउ यूज इन फॉर्मिंग अ न्यू फेमिनिन नाउन. अब हीरो है, हीरोइन, टेस्टर, टेटर, टेस्ट्रेक्स, चेजर, चेजरीना, सुल्तान, सुल्ताना, सिग्नोर, सिग्नोरा, फॉक्स, विक्सन. अब प्लेसिंग ए वर्ड बिफोर और आफ्टर एज मैस्कुलिन फेमिनिन में कोई लफ्ज आगे भी लगाया जा सकता है, पीछे भी. ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, ग्रेट अंकल, ग्रेट आंट, मैन सर्वेंट, मेड सर्वेंट, लैंडलॉर्ड, लैंडलेडी, मिल्कमैन, मिल्कवुमेन, पीकॉक, पीहेन, सेल्समैन, सेल्सवुमेन, वॉशरूम, वॉशरमैन, वॉशरवुमेन. अब यहाँ तो मैस्कुलिन फेमिनिन के बाद हमने शुरू किया नाउन, नंबर के तौर पे जो यूज किए जाते हैं. नोटिस द चेंज ऑफ फॉर्म इन द सेकंड वर्ड ऑफ ईच पेयर. ट्री, ट्रीज, box, boxes, fox, oxen, man, men. अब हम जिस तरह उर्दू में बाइक जमा करते हैं, first word of each pair donates one thing, the second word of each pair donates more than one. A noun that donates one person or thing is said to be in a singular number, as boy, girl, cow, bird, tree, brook, pen. ये एक ही singular के तौर पे use होते हैं. A noun that donates more than one person or thing is said to be in plural number, as boys, girls, cows, birds, trees, books, pens. ये जमा है. Thus there are two numbers in English, the singular and the plural. How plural is formed? The plural noun is generally formed by adding s to the singular, as boy, boys, pen, pens, girl, girls, desk, desk, book, books, cow, cows. But noun ending in s, sh, ch, soft, जो बोला जाते हैं, or x from the plural by adding es to the singular, as class, classes, kiss, kisses, dish, dishes, brush, brushes, match, matches, watch, watches, branch, branches, tax, taxes, book, box, boxes. इसी तरीके से मोस्ट नाउन एंडिंग इन ओ आल्सो फॉर्म द प्लूरल बाय एडिंग ईएस टू द सिंगुलर, एज बफलो बफलोस, मैंगो मैंगोस, हीरो हीरोस, पोटैटो पोटैटोस, कार्गो कार्गोस, एको एकोस, निग्रो निग्रोस, वाल्कोनो वाल्कोनोस. अच्छा, कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं फिर नाउन एंडिंग इन ओ मेरली एड एस, उसको एस में ही डाल दिया जाता है, एस डायनमो डायनमोस, सोलो सोलोस, रेशो रेशोस, कैंटो कैंटोस, मोमेंटो मोमेंटोस, क्वाटो क्वाटरोस, पियानो पियानोस, फोटो फोटोस, स्टीरियो स्टीरियोस, किलो किलोस, लोगो लोगोस, कमांडो कमांडोस. नाउन एंडिंग इन वाई प्रीसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट फ्रॉम देयर प्लूरल बाय चेंजिंग वाई इनटू आई and adding ess. Consonant कहते हैं वो साउंड जिनको भूलते हुए आपकी ब्लॉकेज ऑफ एयर होती है, ब प ड क. वाउल वो साउंड होती हैं जिनको भूलते हुए आपकी ब्लॉकेज ऑफ एयर नहीं होती. तो यहाँ पर बेबी बेबीज, लेडी लेडीज, सिटी सिटीज, आर्मी आर्मीज, स्टोरी स्टोरीज, पोनी पोनीज. Following noun ending in e or fe from their plural by changing for fe into v and adding ess, thief thieves, wife wives, wolf wolves, life lives, calf calves, leaf leaves, loof loofs, knife knives, shelf shelves, half halves,
एल्फ एल्व्स, सेल्फ सेल्व्स, शीव शीव्स, द राउंड ड्वार्फ, बोने को कहते हैं हूफ, स्कार्फ एंड वार्फ, टिक्स, इधर एस और वी एस इन द प्लूरल, ड्वार्फ ड्वार्फ्स, हूफ्स हूफ्स, स्कार्फ्स और स्कार्फ्स, वार्फ्स और वार्फ्स, अदर वर्ड्स एंडिंग इन फॉर एफ ई एड एस एस, चीफ चीफ्स, सेव सेव्स, प्रूफ प्रूफ्स, गल्फ गल्फ्स, क्लिफ क्लिफ्स, हैंडकरचीफ हैंडकरचीफ्स, अ फ्यू नाउन्स फ्रॉम देयर प्लूरल बाय चेंजिंग इन द इनसाइड वॉवल ऑफ द सिंगुलर एस, मैन मैन, मैन मैन, वुमेन वुमेन, फुट फीट, टूथ टीथ, और गोस गीज, माउस माइस, हाउस लाउस लाइस. There are a few nouns that from their plural by adding en to the singular as ox, oxen, child, children, the plural of fish is fish or fishes. The form fishes is less than usual. Some nouns have singular and plural alike. Acha kuch noun aise bhi hote hain jinki wahid aur jama ek jaisi hi hoti hai. Swine, sheep, deer. Inki jama aise nahi lag sakta. Deers nahi ho sakta, sheep nahi ho sakta. Cod, trout, salmon, aircraft, speechcraft, series, species, pair, dozen, score, gross, hundred, thousand. When used after numerals, numbers ke saath jab istemal hote hain, ten hundreds, nahi ten hundred, one thousand. I bought three dozen oranges. Some people reach the age of the score and ten. The sari cost me 5,000 rupees, stone, 100 weight, he weighs about 9 stone, 2,000 weight make 1 ton, tons nahi aayega isme, stones nahi aayega isme. Some nouns are used in a plural noun, noun kuch aise bhi hain, jo sirf plural form mein use hoti hain, names of the instruments which have two parts forming a kind of pair, jiske do hisse hote hain, joda banane ke liye, as bellows, scissors, tongs, pincers, spectacles, and accessories hoti hain. Names of certain article of dress as trousers, drawers, breeches, jeans, tights, shorts, pajamas, ye plural hi istemal hote hain. Certain other noun as annals, thanks, proceeds, tidings, environs, nuptials, obsequies, assets, chattels. Some noun originally singular are nouns generally used in the plural as elves, riches, eaves. Riches do many things. Riches is istemal hoga. Following noun looks plural but are in fact singular. Names of subjects. Jaise mathematics ho gaya. Ye lagte plural hai lekin ye hai singular hi. Physics ho gaya, electronics ho gaya. The word news, names of some common diseases, measles, mumps, rickets. Name of some games, billiards, draughts. Mathematics is his favorite study. Yahan par mathematics singular hi hai. No, news is good news. News unse ye singular hi hai. India won by innings and three runs. Runs aayega, run nahi aayega. इनिंग्स ये सिंगुलर ही यूज होगा. मीजल्स इज इन्फेक्शियस. बिलियर्ड इज माई फेवरेट गेम. मीन्स इज यूज इधर एज सिंगुलर और प्लूरल, बट वैन इट हैज मीनिंग ऑफ वेल्थ इट इज ऑलवेज प्लूरल एज इज सक्सीडेड बाय मीन्स और बाय दीज मीन्स इन पासिंग द एग्जामिनेशन. हिज मीन्स आर स्मॉल, उसके जराए कम है, बट ही has incurred no debt. Certain collective noun, though singular in form, are always used as plural, as poultry, cattle, vermin, people, gentry. For example, these poultry are mine. Poultry is nahi aayega yahan par, ye plural hi hai. Whose are these cattle? Vermin destroy our property and carry disease. Who are those people, yani ke persons hai wo? There are few gentry in this town. As a common noun,
पीपल मीन्स अ नेशन कौम के लिए इस्तेमाल होता है एंड इज यूज बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल. द जैपनीज आर अ हार्ड वर्किंग पीपल. देयर आर मेनी डिफरेंट पीपल इन यूरोप. अ कंपाउंड नाउन जनरली फॉर्म इट्स प्लूरल बाय एडिंग एस टू द प्रिंसिपल वर्ड एस. कमांडर इन चीफ, कमांडर्स इन चीफ. कोर्ट ऑफ मेल, कोर्ट्स ऑफ मेल. सन इन लॉ, सन्स इन लॉ. डॉटर इन लॉ, डॉटर्स इन लॉ. स्टेप सन, स्टेप सन्स. स्टेप डॉटर, स्टेप डॉटर्स. मेड सर्वेंट, मेड सर्वेंट्स. पासर बाय, पासर बाय. लुकर ऑन, लुकर्स ऑन. मैन ऑफ वॉर, मैन ऑफ वॉर. वी से स्पूनफुल्स एंड हैंडफुल्स बिकॉज स्पूनफुल एंड हैंडफुल आर रिगार्डेड एज वन वर्ड. Note that the proper noun Brahmans, Muslims are not compounds of a man. Therefore, these plurals are Brahmans and Muslims. Many nouns taken from foreign languages keep their original plural form as from Latin. Erratum, errata. Formula, formulas, formula. Index, indices. Memorandum, memoranda. Radius, ready. Terminus, termini or terminus. ये ग्रीक के कुछ वर्ड्स भी हैं सारे के सारे. एक्सिस, एक्सिस. पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस. क्राइसिस, क्राइसिस. क्राइसिस, हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस वगैरह. इटालियन में भी हैं कुछ. बैंडेड, बैंडिटी और बैंडिट्स. फ्रेंच में भी मैडम, मैडमी. मेस, डमेस. मोजियो, मोजियोर्स. हेब्रू में भी हैं शेरब, शेरबम. शेरफ, शेरफम. और शेराफ्स. सम नाउन्स हैव टू फॉर्म्स ऑफ द प्लूरल. अच्छा, कुछ नाउन ऐसे भी हैं जिनकी टू फॉर्म्स होती हैं प्लूरल की. ईच विद सम बट डिफरेंट मीनिंग. ब्रदर, ब्रदर्स. सन ऑफ द सेम पेरेंट. ब्रदर्न, मेम्बर्स ऑफ सोसाइटी और कम्युनिटी. क्लॉथ, क्लॉथ्स. Kinds or pieces of cloth, clothes, garments. Die, dies. Stamp for coining dies. Index, indexes. ये सारे एक ही कैटेगरी के हैं. Penny, pennies. Number of coins, pence. Some nouns have two meanings in the singular, but only one in the plural. जैसे singular light, a radiance, a lamp, lights, lamp. अब लाइट का लाइट्स, लैम्प का लैम्प्स भी इस्तेमाल हो सकता है. पीपल, नेशन. मेंस एंड वेमेन. पीपल्स, नेशंस. पाउडर, डस्ट. डोज ऑफ मेडिसिन इन फाइन ग्रेन्स लाइक डस्ट. पाउडर्स, डोजेस ऑफ मेडिसिन्स. प्रैक्टिस, हैबिट. एक्सप्रेशन ऑफ प्रोफेशन. प्रैक्टिसेस, हैबिट्स. सम नाउन्स हैव वन मीनिंग इन द सिंगुलर, टू इन द प्लूरल. जैसे ये कलर, ह्यू. कलर्स, ह्यूज. द फ्लैग्स ऑफ अरेंजमेंट. कस्टम, हैबिट. कस्टम. तो ये सारे प्लूरल के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकते हैं. ये आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद हैं. पेन ये आप अपनी बुक से भी कंसल्ट कर सकते हैं. सिंगुलर प्लूरल. एडवाइस, काउंसिल को कहते हैं. एडवाइस, काउंसिल. एडवाइसिस भी हो सकता है. इंफॉर्मेशन भी हो सकता है. एयर, एटमोसफियर. एयर्स भी हो सकता है. इफेक्ट, जो मैनर्स को इफेक्ट कर रहा हो. गॉड, बेनिफिट, वेलबींग. गुड, बेनिफिट, वेलबींग. गॉड ने गुड. गुड्स भी हो सकता है. मर्चेंडाइज भी हो सकता है. फिजिक्स में मेडिसिन है, जैसे फिजिक्स भी हो सकता है. फिजिक, मेडिसिन को कहते हैं. फिजिक्स, नेचुरल साइंसेज को कहते हैं. आयरन, मेटल होता है. आयरन्स, फैक्टर्स भी हो सकता है. फोर्स, स्ट्रेंथ को कहते हैं. फोर्सेस भी हो सकता है. लेटर्स, फिगर्स एंड अदर सिंबल्स आर मेड प्लूरल बाय एडिंग एन एपोस्ट्रोफी ऑन एस. एस देयर आर मोर ईएस देन एएस इन द पेज. डू यू आईज एंड क्रॉस यू टीज. एड टू फाइव एंड फोर टूज. यानी कि पांच, दो पांच ऐड करें और चार दो ऐड करें. ऐड टू फाइव, फाइव के दो नोट
और 2 रुपए के 2 सिक्के जो भी। इट इज यूजुअल टू से मिस द मिस स्मिथ्स, सिंगुलर मिस स्मिथ है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैव नो प्लूरल, दे आर अनकाउंटेबल। होप, चैरिटी, लव, लव्स नहीं होता, काइंडनेस नहीं हो सकता, चैरिटीज नहीं हो सकता इसका। When such words do appear in the plural, they are used as countable as provocations, instances or cases of provocation, kindness, acts of kindness. Names of substance are also uncountable and are not therefore used in plural. Copper, iron, tin, wood. When such words are used in the plural, they become countable with exchange meanings, as coppers, copper coins, irons, fetters, tins, canes made of tin, woods, forests. अब यहाँ तक हमारा ये ख़त्म हुआ लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर के लिए इंशाल्लाह फिर आपके साथ हाजिर होंगे। इसमें जो एम्बिग्यूटी होगी रेन एंड मार्टन से आप कंसल्ट करके मुझे बताइएगा, और कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो ज़रूर पूछ लीजिएगा। आपके पास रेन एंड मार्टन है, उसमें से आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। कोई डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग हो वो देख के फिर मुझसे पूछ सकते हैं, कोई चीज़ आपको मुश्किल लग रही हो। थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़। हम इसके बाद अगले लेक्चर की तरफ जाएंगे ताकि हमें गाइड रहे कि हमने कैसे करना है। और ये जो आपकी रेनन मार्टन की बुक है, इसमें से ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। और आपको अगर कोई चीज़ पूछनी हो तो आप आ सकते हैं। और ये चूँकि ग्रामर की चीज़ें हैं, ये आप पहले पढ़ तो चुके हैं, लेकिन इनको अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए ज़रा आप मेरे पास तशरीफ़ ले आएंगे सर, ज़रा ताकि हम ये देख सकें कि क्या हुआ लेक्चर के साथ। जितने भी ये मुज़क्कर मुअन्नस हैं हमारे पास, जितने भी शुरू होते हैं, बेसिकली ये हमें बताते हैं कि उर्दू लैंग्वेज में हमने मुज़क्कर मुअन्नस पढ़े, वाहिद जमा पढ़े, तकरीबन ये वही रूल्स हैं जो इंग्लिश और उर्दू में इस्तेमाल होते हैं। इंग्लिश उर्दू के मुज़क्कर मुअन्नस उर्दू में हम पढ़ चुके हैं पहले ही कि मुज़क्कर मुअन्नस हमारे उर्दू के, और क्योंकि लैंग्वेजेस बेसिकली कल्चरल बाउंड होती हैं, और कल्चर जो उनसे होता है वो हमें बताता है कि हमने उसे कैसे लेके आगे बढ़ना है और कैसे लेके ख़त्म करना है। अभी इस लेक्चर को एंड करने के लिए, लेक्चर हम खुदमा देते हैं, क्योंकि हमें ये लेक्चर एंड करने का पता नहीं है एंड हुआ कि नहीं हुआ।